हालांकि मणिपुर के ऊपर चर्चा है, मणिपुर को मुद्दा बताया जा रहा है, मणिपुर की तस्वीर क्या है ये हमने आपको लगातार बार बार दिखाई है। लेकिन इस चर्चा के बीच में आज बहुत सारे अपडेट भी मिले, उस अपडेट के ऊपर भी मैं आपका ध्यान लेकर आऊंगा और उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपने मणिपुर के नाम पर दिल्ली में चल रही सियासत को तो देख लिया और हो सकता है कि आप इस सियासत के अब आदि भी हो गए, हर दिन देख रहे हैं, आपको इसमें कुछ भी नया भी ना लगता और हो सकता है कि सियासत की ही तरह आप मणिपुर में आ रही आगजनी की तस्वीरों के भी आदि हो गए। और यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि आपको मणिपुर की बर्बादी में कुछ नया भी ना लगता। लेकिन अगर ऐसा है, आप आदि हो चुके हैं, कुछ नया नहीं लगता है, तो हमारी यह रिपोर्ट खास आपके लिए है, क्योंकि मणिपुर में जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता ने जो देखा, सुना और महसूस किया, उसे देखकर ना तो सहज हुआ जा सकता है और ना ही आदि। इसलिए हम चाहते हैं कि आप गोलियों से छलनी मणिपुर से हमारी ये सबसे खतरनाक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखें। और हम बार बार कह रहे हैं सबसे खतरनाक, मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर में कैसी तस्वीर है, मणिपुर के हालत कैसे हैं, ये अब तक आपने कई अलग अलग तस्वीरों से देखा होगा, लेकिन उसकी सच्चाई को इतने करीब से अब तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। और इस जिम्मेदारी को हम समझते हैं, जी मीडिया समझता है, इसलिए आज जान जोखिम में भी डालकर यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की गई है, ताकि आप भी समझ सकें कि मणिपुर आज किस अंधेरे दौर से गुजर रहा है और यह अंधेरा कब छटेगा कोई नहीं जानता है। ना वो जो काले कपड़े पहनकर मणिपुर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और ना वो जिनके कंधों पर मणिपुर को बचाने की जिम्मेदारी है। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। ये जो एरिया है, हम इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, यहाँ गोलियां चलना शुरू कर दिया। मणिपुर सिर्फ सुलग नहीं रहा है, मणिपुर में धमाके भी हो रहे हैं। मणिपुर की हवाओं में नफरत इस कदर घुल चुकी है कि अब उसमें ताजगी नहीं, बारूद की गंध आ रही है। मुस्कुराता, महकता और इठलाता मणिपुर अब मैदानी जंग में बदल गया है। ऐसे रण क्षेत्र में जहां अपने अपनों के खून के प्यासे हैं, मणिपुर के थोरबुंग इलाके में बीते कई दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग की खबर मिली तो जी मीडिया की टीम सुबह सुबह इम्फाल से थोरबुंग की तरफ रवाना हो गई। सुबह करीब 9 बजे जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता और कैमरामैन अल्पन बोरा थोरबुंग के पास क्वाक्टा पहुंच गए। यहां सौमित एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की आड़ लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान ही गोलियों का एक बर्स्ट सीधा उनकी तरफ आ गया। आर्मी है, मणिपुर पुलिस कमांडो है और बीएसएफ है, सब मिलके इसको कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि चुराचांदपुर की तरफ से जो उपद्रवी है वो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एरिया है, बिल्कुल करीब से गुजरी इन गोलियों ने एक बार तो दिमाग को ही सन्न कर दिया। जी मीडिया की टीम ने किसी तरह गाड़ी के अंदर छलांग लगाकर जान बचाई, लेकिन मणिपुर का सच सामने लाना था, लिहाजा फायरिंग के बीच रिपोर्टिंग जारी रही। हम इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, यहाँ गोलियां चलना शुरू कर दिया। हम इस वक्त पुलिस के जिस बंकर के सामने थे, उस पुलिस के बंकर में इस वक्त हम आ गए हैं अंदर। और ये जो एरिया है, बॉर्डर एरिया बताया जा रहा है, इस बॉर्डर एरिया में एक तरफ कुकी है, एक तरफ मैती है, और ये जो इलाका है ये पेरिफेरियल इलाका है। ये पेरिफेरियल इलाका पूरी तरह से खाली कर दिया गया है।
बंकर के अंदर भी आवाज़ आ रहा है। ये एक बुलेट प्रूफ बंकर है, आप देख सकते हैं बुलेट प्रूफ बंकर है। और यहाँ पर अचानक से रिपोर्टिंग के वक्त यहाँ तक गोलियाँ आना शुरू हो चुका है। जी मीडिया की टीम कुकी और मैतई उग्रवादियों की क्रॉस फायरिंग में फंस चुकी थी। सिर्फ गोलियां ही नहीं, बम और हैंडमेड मोर्टार भी दागे जा रहे थे। पुलिस की इस बख्तरबंद गाड़ी में हमारा काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन फायरिंग रुकने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। अब यहां थोड़ी देर और भी रुकना जानलेवा साबित हो सकता था। जी मीडिया की टीम जहां फंसी थी, वहां से थोड़ी ही दूर पर बीएसएफ का बंकर नजर आया। जान बचाने के लिए वहां तक पहुंचना जरूरी था, लेकिन गोलियों की बौछार के बीच कुछ मीटर का यह सफर मीलों लंबा नजर आया। बंकर में पहुंचे तो जान में जान आई। सोचा जरा कमर सीधी कर ली जाए, लेकिन जैसे ही खड़े हुए बंकर में मौजूद एक जवान सख्त लहजे में बोला, जिंदा रहना है तो सर झुका दे। गोली किसी से पहचान नहीं पूछती। कोई पता नहीं चलेगा कि कहां जाएगा। पहला प्लेस जो है ना, बीएसएफ के बंकर में छिपे काफी देर हो चुकी थी, और इस एक घंटे में दोनों तरफ से तकरीबन 1000 राउंड गोलियां दागी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद फायरिंग कम हुई तो जी मीडिया की टीम आगे बढ़ गई, लेकिन तभी एक दूसरा बंकर नजर आया। यहां जवान नहीं, आम लोग छिपे थे। ये वो लोग थे जिन्हें इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गोली कब और कहां से आएगी कोई नहीं जानता, लिहाजा ये लोग अपने घर छोड़कर आधी रात से ही इन बंकरों की शरण में हैं। जो स्थानीय लोग यहाँ पर, वो यहाँ पर आके रुके हुए हैं। तो यहाँ रह रहे हम, घर नहीं है, हमारी घर सब कुछ चला दिया वो कुकी, क्या बताऊँ उसका, मिलिट्री वालों ने लगा दिया ये सब। ज़्यादा तो बोलना चाहिए हमें, लेकिन हमने रुक कर कह रहा है डेबिट, वो चाहता है तो हम सब मार दो फिर ले लो सब कुछ, हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं है। आकर सामने से ही ले जाना, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्या करेंगे, वो इधर उधर भाग भाग के हमें भगा कर हम मार रहा है। हम मणिपुर के लोगों का यही दर्द दिखाने थोरबुंग पहुंचे थे, इसलिए गोलियों और बमों की परवाह किए बिना जी मीडिया का कैमरा ऑन हो गया। इससे पहले कि सौमित इंटरव्यू खत्म कर पाते, एक देसी मोर्टार उनसे ठीक 50 मीटर की दूरी पर गिरा। जोरदार धमाके से सब दहल गए, कुछ पल को सन्नाटा छा गया। हालांकि रिपोर्टिंग जारी रही। विष्णुपुर और चुराचांदपुर का ये पेरिफेरियल एरिया है, जहां पर पिछले कुछ घंटों से लगातार गोलीबारी चल रही है, बम फेंका जा रहा है, और पुलिस और बीएसएफ की तरफ से, सेना की तरफ से डिफेंस किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं कि हमारे पीछे अभी भी गोलियां चल रही हैं, लगातार बम भी चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो रात से ही, मतलब सुबह 4 बजे से ही अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे सड़क के किनारे आके एक जैसे बंकर जैसे बना हुआ है, यहाँ पे आके शरण लिए हुए हैं। बम तो यहाँ तक आ रहा है क्या? हाँ, अभी तो यहाँ तो आ रहा है, ये तो 3rd मई से शुरू हुआ है, ये 3rd मई से जल रहा है। इतना सारा घर भी आग राग लगा दिया, और सब भी यहाँ के रहने वाले लोग भी नहीं, सब भी रिलीफ कैंप पे चली गई बसे। ये जो गोली चल रही है अभी, पास में बम फूटा, ये कब से चल रहा है? सुबह की 4 बजे से हुआ है, और पहले से बहुत हो रहा है। हाँ, पहले से बहुत हो चुका है। इस धमाके की गूंज हमारे कैमरे में ही नहीं, हमारे जहन में भी रिकॉर्ड हो गई। हम सोचते रहे, अगर वो बम तालाब की जगह जमीन पर फटा होता तो न जाने क्या होता। लेकिन शायद मणिपुर की ये महिलाएं ऐसे धमाकों की आदी हो चुकी हैं। अब इम्फाल लौटने का वक्त हो चुका था। लगभग रेंगते हुए हम इस बंकर से तो बाहर निकल आए, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट
बमों के धमाके और उन धमाकों के बीच फंसे लोगों की सूनी आंखें देर तक पीछा करती रही, जैसे सवाल पूछ रही हो कि सरकार से उम्मीदें तो कब की खत्म हो गई। क्या आप बता सकते हैं आखिर इस रात की सुबह कब होगी? थोरबुंग से सोमित सेन गुप्ता की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया की टीम क्वाक्टा नाम के जिस इलाके में फंसी थी वो थोरबुंग के बिल्कुल करीब है। मुस्लिम बहुल इस बस्ती के एक तरफ कुकी बहुल जिला चूराचांदपुर है और दूसरी तरफ मैतई बहुल जिला विष्णुपुर, और दोनों के बीच मौजूद इस बस्ती में सभी मैतई और कुकी साथ साथ रहते थे, मैं बोल रहा हूं। अब की ऐसी तस्वीर नहीं है, लेकिन अब क्वाक्टा एक अघोषित बॉर्डर में बदल चुका है। थोरबुंग से लेकर क्वाक्टा तक करीब 2.5 किलोमीटर की बेल्ट में सीआरपीएफ, असम राइफल्स और बीएसएफ जैसे केंद्रीय बलों के अलावा मणिपुर पुलिस के कमांडो भी तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद ना हिंसा रुक रही है और ना ही गोलीबारी। और 19 जुलाई को दो महिलाओं के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। हालांकि ये घटना 4 मई को हुई थी और वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में भी कई गिरफ्तारियां की गई, लेकिन ये इस तरह का कोई पहला घटनाक्रम नहीं था। और 15 मई को भी एक कुकी युवती के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई। पूरी रात हैवानों की गिरफ्त में रहने के बाद वो लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गई। 2 महीनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो लड़की अभी तक उस हादसे से उबर नहीं सकी है। और आज जी मीडिया ने उससे बात की तो उस लड़की ने उस खौफनाक शाम के बारे में जो कुछ बताया उसे सुन आप सिर्फ डरेंगे ही नहीं, शर्मसार भी हो जाएंगे। मणिपुर में ये दूसरी घटना है जब कोई महिला सामने आई और उनके ऊपर किस तरह से दरिंदों ने अत्याचार किया, सामूहिक बलात्कार किया गया, वो बताने के लिए जी मीडिया में इस वक्त पीड़ित महिला हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो हमें पता है उनके ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार किया गया और वो भागकर दूसरे राज्य में चली गई ताकि उन्हें मेडिकल असिस्टेंस मिले। इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, वी आर वेरी सॉरी टू आस्क यू, व्हाट हैपेंड टिल 15th ऑफ मे यू वर देयर इन इम्फाल, देन व्हाट हैपेंड? Till 15 years, so in Manuvin, Etiamaya, Manuvin, to so one Kaya young Padia, he puva, Mira by Beon, Ivo owner, so there may be circus and Ivoa, he hung pang. Then what happened? They took you to some another place and they assault you. So what you Aramba Hoko Vina. White bolero around by hung in me, the hung in a maho in pito of in a mahon. Langwa mole in Puyovin cop leading in slowly. Police station token is at Wainok till I hang a cop there. Police in Zantin in hold of having deities at the present Burang Naran Jingla so he in a book in a vin. Then what happened? July Munatu, Tading Divin, July Munat Tading, I go nova, he, Chimul Chunga, but Natu, Conkeli Suin, Conkeli Suin, Main Road Conkongin, like to Autorixona, only Autorixo to Muslim Hat and he in Amajan in Hoto Abisim, Purple Stations and Sailot P. Then you came to Kangpok P and then somewhere. Kangpo P hospital la check up mga chipepe vina la ju then you got to know from the doctor that you have been assaulted sexually. Yes. Okay. By then. Medical report, we know it by medical report. Okay. So then you went to Kohima in Nagaland. You filed any police complaint? Yes, we did. When? So how are you now? Are you okay? Are you
safe? Are you feeling safe now? I not mean ever told don things I can tangle the in Cassayon Cassayon of the Punga Geldo Lohita in Tagildo Saziv in Katasa Hikita and I had comes in me. ऐसी स्थिति बन गई थी कि अनकॉन्शियस हो गई थी, होश नहीं था उस समय. इनके ऊपर अत्याचार किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, और उसके बाद जब वो भागकर किसी तरह अस्पताल पहुंची तब उनको पता चला कि इनके साथ बलात्कार हुआ है. और फिर वो कोहिमा चली गई, वहां पर भी उनको सेम रिपोर्ट दिया गया कि इनके साथ कैसी घिनौनी हरकत किया गया. ये महिला है वो जो हम इनसे बात कर रहे थे, और अभी ये बता रही है कि ये काफ़ी अनकंफर्टेबल है, अभी एंजाइटी में है क्योंकि इतनी बड़ी घटना इनके ऊपर घट चुकी है और स्थिति यहाँ पे सामान्य नहीं था. इसलिए पुलिस कंप्लेन करने के लिए भी करीब 2 महीना लग गया. पुलिस सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि अभी भी इस घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सिंह गुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर. हो सकता है कि अब इस लड़की की भाषा स्पष्ट रूप से ना समझ पाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस खौफ और जिस दर्द से वो गुजर रही है वो आप तक भी जरूर पहुंचा होगा. और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है. सच तो यह है कि सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है. मणिपुर में हैवानियत के शिकार ऐसे कई अनाम चेहरे हैं जिन्हें ना तो कोई सुनने वाला है ना ही कोई उनकी सुध लेने वाला है. और इसलिए हम चाहते थे कि आप इस पीड़ित की कहानी जरूर सुने, आप तक ये कहानी जरूर पहुंचे, और हो सके तो कुर्सी पर बैठे उन लोगों तक भी जिनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि उन पर ऐसी आवाजों का असर होना ही बंद हो चुका है. ये मणिपुर के ग्राउंड जीरो के हालात थे जो आपने देखे. लेकिन अब हम आपको सरकार का पक्ष भी बताने वाले हैं, और सरकार का पक्ष भी आपको आज जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि मणिपुर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की सीधी नजर है और वो लगातार अपडेट भी ले रहे हैं. सरकारी सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, और उसके मुताबिक केंद्र ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के वायरल वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है. यही नहीं, इस मामले में जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उन पर मणिपुर से बाहर असम में मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की गई है. दावा यह भी किया गया है कि प्रशासन को इस कथित वायरल वीडियो की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, जबकि इसी तरह के 2 अन्य वीडियो संज्ञान में आए. वो पुराने हैं और मणिपुर के नहीं हैं बल्कि म्यांमार के हैं, और मणिपुर से ऐसा कोई दूसरा मामला अभी तक सामने नहीं आया. सरकार का दावा है कि राज्य में शांति बहाली के लिए दोनों समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, और कुकी और मैतई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ अब तक अलग अलग 6 दौर की वार्ताएं भी हो चुकी है. यही नहीं, हाईकोर्ट के जिस फैसले पर यह हिंसा भड़की, आरक्षण के उस मुद्दे को लेकर जिसके बारे में हमने आपको लगातार जानकारी भी दी, उस पर भी कोर्ट ने 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है, और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा. सरकार का यह भी कहना है कि मणिपुर जल रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी मणिपुर जल रहा है का नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, लेकिन स्थिति में पहले से काफी सुधार है और हिंसा की घटनाओं में जून के बाद से काफी कमी भी आई है. ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, ये सूत्र हमें दावा कर रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी लगातार मणिपुर के मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य सरकार से भी वो लगातार अपडेट ले रहे हैं. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 मई से 7 मई के बीच ही मणिपुर में 30,000 से अधिक जवान तैनात किए गए थे, और इसलिए विपक्ष का ये आरोप कि केंद्र की तरफ से लापरवाही की गई है ये बिल्कुल गलत है. यही नहीं, सरकार का कहना है कि मणिपुर जाने से किसी को रोका नहीं जा रहा है, और अगर विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा तो उसकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि आज चर्चा इस बात को भी लेकर है कि विपक्ष के कई चेहरे, जो INDIA गठबंधन बना है उसके कई चेहरे मणिपुर जा सकते हैं 29 और 30 जुलाई को. इसलिए सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी को नहीं रोका गया है, और जो वहां जाएंगे उनके सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी. वैसे म्यांमार में सैन्य शासन आने के बाद से ये वो सच्चाई है जो आप तक होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति के पीछे की वजह क्या है इसको भी समझिए.
म्यांमार में जैसे ही सैनिक शासन आया उसके बाद से नारकोटिक्स के अवैध कारोबार में बढ़ोतरी हुई, तेजी आ गई। यही नहीं, म्यांमार में उपद्रवियों के मणिपुर आने की भी खबरें, यानी म्यांमार के जो उपद्रवी हैं वो मणिपुर भी आ रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और ऐसे में म्यांमार सीमा को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हम आपको वो भी आज बताना चाहते हैं, और वो आपको जानना चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। भारत म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। म्यांमार से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक डेटा भी लिया जाएगा ताकि उसे नेगेटिव डेटा लिस्ट में डाला जा सके। इससे म्यांमार से आने वाला कोई भी शख्स भारत में अपना आधार नहीं बनवा पाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी भी हम इकट्ठा करेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। प्रणय, सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाया हुआ है, लगातार अपडेट ले रहे हैं, और साथ ही साथ अभी जो हमने कहा कि म्यांमार से नारकोटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा चहलकदमी बढ़ गई, उस दिशा में जो अपडेट है वो किस तरह से एक बड़ी चुनौती है मणिपुर की स्थिति को लेकर? देखिए, मणिपुर राज्य जो है वो पूर्वोत्तर का महत्वपूर्ण राज्य है, उसकी सीमा म्यांमार से लगती है और म्यांमार की सीमा भारत के पूर्वोत्तर के कई राज्यों के साथ लगती है। तो ऐसे में चुनौती बढ़ जाती है जब म्यांमार के अंदर भी अस्थिरता हो। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है, वहां पर अस्थिरता की स्थिति है, और खासतौर पर जो कुकी समुदाय जो कि सीमा के दोनों तरफ है और उसके साथ में जो उनके आपस में संबंध है, इसके मद्देनजर में चूंकि एक जो एक फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच का, इसलिए भारत के अंदर 40 किलोमीटर तक और म्यांमार की सीमा में 16 किलोमीटर तक आवाजाही जो है वो केवल परमिट्स के आधार पर होती है, उसके लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। और इस यूनिक स्थिति के मद्देनजर कई बार असामाजिक तत्व भी इसका लाभ उठाते हैं, और इसी के मद्देनजर अब ये तय किया गया है कि उसके ऊपर उस नियमन को जो है वो और मजबूत किया जाए, साथ ही जो बॉर्डर गार्डिंग है उसको मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगाई जाए। लेकिन आप जानते हैं लंबी सीमा है, उसकी प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अगर मणिपुर की बात करें तो ये जो हालात है मणिपुर के रोहित, वो बेहद संवेदनशील है। एक लंबा जातीय जो इतिहास है वहां पर रहा है इस तरीके की जातीय हिंसा का, और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य प्रशासन इसके ऊपर बेहद सतर्कता से संयम के साथ इस समय ले रहा है। यह बेहद संवेदनशील मामला है, और कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और सामाजिक स्तर पर इन तीनों मोर्चों के ऊपर इस मामले के अंदर समाधान की कोशिशें तलाश की जा रही है। और सामाजिक स्तर के ऊपर जो दोनों समुदाय हैं उनके प्रतिनिधियों को बिठाकर बातचीत की जा रही है। अब तक दोनों से अलग अलग अगर बात की जाए तो 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, यानी 6 बार जो है कुकी डेलीगेशन के साथ बातचीत हो चुकी है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की। इसके अलावा जो मैतेई समुदाय है उसके साथ भी 6 बैठकें हो चुकी हैं, और कोशिश हो रही है कि दोनों को एक साथ बिठाया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर कोशिश हो रही है कि हालात को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जब एक बार भावनाएं फ्लेयर अप हो जाती हैं तो उनको ठंडा करने में समय लगता है, और इसके लिए बफर बनाया गया है। क्योंकि मैतेई समुदाय अधिकतर घाटी के इलाके में रहता है, पहाड़ी इलाकों के अंदर कुकी समुदाय की आबादी ज्यादा है, और इसीलिए सुरक्षा बलों का एक बफर जोन बनाया गया है। लेकिन यह मामला जो सारा खड़ा हुआ था वो हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद खड़ा हुआ था जिसके अंदर मैतेई समुदाय को ट्राइबल का जो दर्जा है वो दिया गया था, और उसके बाद ही जो तमाम मामला है ये सामने आया था। तो इसके लिए कानूनी पहलू भी तलाशे जा रहे हैं कि कैसे इसका एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। तो इन तीनों स्तर के ऊपर जो कोशिशें चल रही है, और खुद प्रधानमंत्री चूंकि इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल उठते रहे, विपक्ष लगातार इस बात पर निशाना साध रहा है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री की अनदेखी हुई, प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री पहले दिन से ही इसके ऊपर न केवल संवेदनशीलता के साथ में ध्यान दिए हुए थे, वो लगातार एक दिन में कई बार 3-3 बार उन्होंने अपडेट लिए हैं इसके अंदर कि आखिर क्या हालात हो रहे हैं। और सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसके अंदर किसी तरीके का डिले नहीं हुआ है, और पहले ही दिन से जैसे ही 3 तारीख को 1:30 बजे हिंसा का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद से तमाम जो कोशिशें थी वो शुरू कर दी गई, चाहे सुरक्षा बलों की तैनाती हो, चाहे राहत शिविरों में व्यवस्था हो, डॉक्टर्स की टीम को पहुंचाना हो, ये तमाम जो चीजें हैं ये लगातार की जा रही। जी शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।